हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। ये हमारा 8th पार्ट है आपका जूलॉजी सेक्शन का। ये जो जूलॉजी के क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं, किसी भी स्टेट, वो चाहे आरपीएससी हो या फिर झारखंड हो या यूपी हो, एमपी हो, केरल हो, तमिलनाडु, एनीथिंग, कहीं का भी हो, पूरे इंडिया में जो पीजीटी यानी हायर लेवल का जो आपका प्रवक्ता परीक्षा आयोजित कराई जाती है, उस सब के लिए बिल्कुल रामबाण है, या कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल है। पीसीएस में जिन मित्रों ने जूलॉजी चूज किया है, मेंस में चूंकि अब इससे पहले प्री होता था, प्री में चूज करना होता था, अभी तो मेन में होता है, तो सबके लिए बराबर महत्वपूर्ण है। और अगर आप बायोलॉजी का कोई भी, इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ बायोलॉजी विषय के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बायोलॉजी का सिलेबस हो, तो प्रॉपरली महत्वपूर्ण है। आप ये अपने दिमाग में बना के चलिए। अब इसमें ये नहीं कि नहीं, ये पीजीटी का है तो हमारे फॉरेस्ट वाले जो एग्जाम है उनमें नहीं आएगा, जो या साइंटिस्ट का एग्जाम उनमें नहीं आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसमें नहीं आएगा। तो ये सबके लिए, जितना भी बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है, इवन वो एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या आप पीएचडी के लिए बायो में जूलॉजी में अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी कंपलसरी। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा मटेरियल आपके लिए ही है, आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो। शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, चूंकि 120 का टारगेट था और वीडियो का लंबा हो रहा था तो 20 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो आज वो 20 सॉल्व करा लेते हैं, देखते हैं। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एफेक्ट्स इन्फेंट्स बॉर्न ऑफ, तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है, पहले ये आप समझ लो। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो होता है, ये आरएच फैक्टर से होता है, ब्लड के साथ एक आरएच फैक्टर पाया जाता है, जब मदर निगेटिव होती है और फादर पॉजिटिव होता है तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है। अब होता ये क्या है, तो इसमें क्या होता है कि पहला जो बेबी, कल हमने आपको बताया था वीडियो में कि जो पहला बेबी होता है वो नॉर्मल होता है, मगर उस जब वो बेबी होता है उसी समय आरएच पॉजिटिव के कारण उसमें एंटीबॉडी बन जाती है एंटीजन के प्रति, मगर उस समय क्रियाशील नहीं हो पाती है, मगर एंटीबॉडी जब सेकेंड प्रेगनेंसी आती है उस समय ये जो कॉर्ड होता है, जो न्यूट्रिएंट कॉर्ड होता है या जो प्लेसेंटा होता है, उसको ब्लॉक कर देता है और फूड सप्लाई बच्चे की रुक जाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है सेकेंड में। तो हमने कल बताया भी था कि इसके लिए घबराने की तो वैसे बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर इंजेक्शन लगते हैं महीने महीने में, और जैसे ही प्रेगनेंसी आती है, अगर पता है आपको, तो इसीलिए माँ बाप को प्रेगनेंसी आने के बाद आरएच फैक्टर जरूर कराना चाहिए। तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस जो फिटेलिस होता है, तो ये अपने आपको बताया था, पेरेंट्स डिसिमिलर फॉर वन पर्टिकुलर जीन्स, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। डेंटाइन ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम, तो डेंटाइन ऑफ टीथ जो होती है वो किससे डेवलप होती है, बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाता है पीजीटी में, कई बार तो यूपी पीजीटी में आया हुआ है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, बोथ मेसोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, जो डेंटाइन होती है वो किससे होती है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म बोथ से। द डेंटाइन ऑफ द टीथ आर मेसोडर्मल, एक्टो और मेसोडर्मल इन ओरिजिन। डेंटाइन इन द मेन पार्ट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द लोरी ऑफ टीथ, देखिए जो दांत के ऊपर सबसे कठोर भाग होता है वो इनेमल कहलाता है। तो यहाँ चूंकि डेंटाइन की बात कर रहा है, तो ये दांतों में पाए जाने वाला जो पार्ट है उसको डेंटाइन कहते हैं, और ये दांतों का मुख्य भाग है। माइटोकांड्रिया इन स्पर्म, स्पर्म में माइटोकांड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, तो आप सब जानते हैं कि माइटोकांड्रिया जो होते हैं वो मिडिल पीस में पाए जाते हैं, और हम ये भी बता दें कि जो माइटोकांड्रिया बच्चे में आता है वो आता है ओवम से, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, ये पूछा जाता है कि माइटोकांड्रिया स्पर्म के मध्य में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए, मतलब वेजिनल पार्ट से मूवमेंट करके और यूट्रस तक जाने के लिए, इसको फैलोपियन ट्यूब में, चूंकि फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब तक चलता है ये, तो वहां तक जाने के लिए इसको बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें माइटोकांड्रिया पाई जाती है जो इसको प्रॉपर ऊर्जा देने का कार्य करती है। गैस्टुला इन द फ्रॉग इज फॉर्म्ड बाय, तो जो होता है और बनता है वो किससे बनता है, तो वो बनता है ऑल ऑफ द एबव थ्री,
इन्वेजिनेशन, इम्बोली और एपिबोली। तो ये एपिबोली और इम्बोली खूब पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑल द प्रोसेसेस फाउंड इन फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इन फ्रॉग माइक्रोमीयर डिवाइडेड रैपिडली ग्रेजुअली ग्रो ओवर द मेगामीयर कॉल्ड एपिबोली। द प्रोसेसेस ऑफ द इन्वेजिनेशन इज द सिंकिंग ऑफ ए लेयर ऑफ सेल इंटर मीजोडर्म टू फॉर्म ए कैविटी कॉल्ड आर्किंट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन आर्किंट्रॉन भी पूछा था, इस कॉल्ड इन्वेजिनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन एपियर फर्स्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो फीटल जो मेम्ब्रेन एपियर होती है चिक के डेवलपमेंट में पहली बार, तो वो कौन सी होती है, तो आप हमें बताएंगे फटाफट। लो इसका आंसर देख लेते हैं। तो योक सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ओरिजिनेट फर्स्ट। क्या होता है ओरिजिनेट फर्स्ट? इट इज द फर्स्ट रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड एज द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि योक सैक सबसे पहले मेम्ब्रेन बनती है और ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स का काम करती है और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो। इट आल्सो एक्ट एज द हीमोपोएटिक ऑर्गन लाइक द लीवर। अब आपसे पूछ सकता है कि चिक में लीवर का काम कौन करता है, तो वो योक सैक करता है। कौन करता है? योक सैक। एट द लेटर स्टेज सर्व एज ए प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लड सेल्स। ध्यान रखिएगा, द लेटर स्टेज सर्व एज ए प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लड सेल्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट को जितना मैंने येलो कर रखा है, इसको एक जगह स्टार बनाकर या नोट लगा के लिख लीजिएगा कि इससे कई क्वेश्चन। योक सैक तो चिक से पहली जो मेम्ब्रेन बनती है वो बनती है योक सैक बनती है। योक सैक का फंक्शन क्या होता है? तो ये उस समय जो काम करती है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स का काम करती है और मतलब श्वसन अंग की तरह काम करती है, और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होता है एम्ब्रियो का, और इसका काम हीमोपोएटिक ऑर्गन्स जैसे लीवर का होता है होमोपोएटिक ऑर्गन की तरह, तो लीवर की तरह कार्य करता है और बाद में ये ओरिजिन ऑफ ब्लड सेल्स का भी कार्य करता है। चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकम विजुअल इन चिक एम्ब्रियो आफ्टर इनक्यूबेशन। तो वो 36 आवर होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो 36 घंटे बनता है। अब एक क्वेश्चन इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो जरा लिखिएगा पॉपुलर। द थ्री ब्रेन डिवीजन इंक्रीज टू 5। समझना कौन कौन? टीलेंसिफेलोन, डायनसिफेलोन, मेजोसिफेलोन, मेटेनसिफेलोन और माइलेनसिफेलोन इन द 36 आवर ऑफ इनक्यूबेशन। तो ये लिख लीजिएगा 5 पार्ट्स। चलिए फिर देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरिलिया। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सब गलत हैं। यह ऑप्शन क्या है? गैस्ट्रुला, फिर बनता है प्लैनुला, सॉरी गैस्ट्रुला, तो जो करेक्ट सीक्वेंस है गैस्ट्रुला, प्लैनुला और स्काइफोस्टोमा, हाइड्रेटुबा और इफायरा लार्वा। तो ये सही सीक्वेंस है जिसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इकोलॉजी। इन विच द फॉलोइंग नेशनल पार्क लैंड इज द बीइंग कंजर्व। तो आप सब जानते हैं गिर नामी है गिरिराज, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात, तो गुजरात में पाया जाता है। कंजर्व लायन पैंथेरा, लायन पर्सिका एट प्रेजेंट इन होल एट द एशिया। द लायन फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। द टोटल एरिया ऑफ गिर फॉरेस्ट इज नाउ 1412 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, 5 जून सेलिब्रेट, तो सब जानते हैं आप, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेलिज्म इज प्रोवाइडेड बाय। तो इसमें से जो है वो है सी एनिमन और क्रैब। चलो देख लेते हैं, हाँ ये भी है, सी एनिमोन लाइव इन द सेल ऑफ हर्मिट क्रैब।
जो सी एनीमोन होती है वो हर्मिट क्रैब के रहती है. सी एनीमोन क्लीन द सेल, उसके जो कवर होता है उसको साफ रखती है, उसके बदले में बहुत फूड मिलता है. तो इस तरह एक दूसरे को दोनों फायदा पहुंचाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वर्म इज रियर्ड ऑन अर्जुना अर्जुना ट्री. कहता है सिल्क वर्म रेयर जो पाया जाता है वो अर्जुन में पाया जाता है, मगर वो कौन सा. देखिए कितना उम्दा क्वेश्चन है. आप सब टसर और ये सब पढ़ते हैं, उसने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला और जो भी बंदे ने बनाया होगा वो पढ़ रहा होगा उसको. अर्जुन का नाम लिखा, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है. तो जो अर्जुन में पाया जाता है वो कौन सा है, इसमें बताइएगा. तो इसका ए सही है, एंथ्राइया माइलिटा जो है, एंथेरिया जो माइलिटा है रेयर्ड ऑन अर्जुन ट्री. ध्यान रखिएगा अर्जुन ट्री में पाया जाता है. और एंथेरिया आसामा जो है रेयर्ड इन मिकाइलियस प्लांट में पाया जाता है. एंथ्री जो पायरनी है रेयर्ड इन फिग प्लांट. और फिलियोसोमिया रिचिनाई रेयर्ड ऑन द कैस्टर प्लांट. तो ये आप नोट कर लीजिएगा भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये इनको नोट जरूर करके रखिएगा. तो आपको ये देखे होंगे बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, और जो रेयर्ड होते हैं वो जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो संभावित होते हैं सबको पता होता है, सब लोग याद करके रखते हैं. तो इनको सबको याद कर लीजिएगा कि इसमें कौन रेयर्ड सिल्क वर्म पाया जाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. पेब्राइन इज, तो बताइएगा दिस इज वन रॉस्ट डिजीज ऑफ सिल्क वर्म. जो पेब्राइन जो होता है ये सिल्क वर्म का रोग है. ध्यान रखिएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज है. नोसिमा बोम्बाइसिस इज द कॉजल मार्को ऑर्गेनिज्म. तो आपसे पूछ सकता है पेब्राइन जो होता है वो किससे होता है, किसमें होता है. तो ये सिल्क वर्म में पाया जाने वाला रोग है, और नोसिमा बोम्बाइसिस के द्वारा ये रोग फैलता है. तो ये इसका ऑप्शन ए सही है. तो ये भी नोट रख सकते हैं पेब्राइन क्या है. तो एक सिल्क वर्म की डिजीज है जो ये नोसिमा बोम्बाइसिस नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा यह रोग फैलता है. फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. तो जो फ्लैट और कंप्रेस्ड टेल होती है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है. लैंड स्नैक, सी स्नैक. तो ये हमारे हिसाब से सी स्नैक है. सी स्नैक ही चूंकि तैरने में मदद करती है. द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म. तो सब जानते हैं कोकून के ऊपर पाया जाता है. द कोकून इज द व्हाइट कलर्ड बेड ऑफ द प्यूपा हुज आउटर थ्रेड आर इरेगुलर व्हाइल इनर थ्रेड इज रेगुलर. तो ध्यान रखना ये भी पूछ सकता है कि इसका आउटर कैसा होता है. और तो जो इसका आउटर थ्रेड होता है वो इरेगुलर होता है, जबकि इनर जो थ्रेड होता है वो रेगुलर होता है. ध्यान रखिए दो शब्द ये आपके लिए महत्वपूर्ण है. द लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस थ्रेड सिक्रीटेड बाय प्यूपा ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोकून इज अबाउट 1200 मीटर्स. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कोकून में कितने मीटर हमें जो रेशम है वो मिलता है. तो 1000 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक. बताओ कितना एक छोटे से प्यूपा में, तो अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बनाता. विच रिक्वायर 3 डे कंप्लीट. इसको बनने में 3 दिन लगते हैं. तो यहाँ इस जो हमने आपको ऑप्शन तो आपको बता ही दिया, इसमें क्वेश्चन हमें मिले कौन 4. पहले जो कोकून में रेशम जो लिपटा रहता है वो आउटर में कैसा होता है, इरेगुलर रेगुलर या बोथ या नैन ऑफ दिस. तो इरेगुलर. इनर में कैसा होता है, इनर में रेगुलर होता है, बाहर इरेगुलर लिपटा रहता है. और वो भी पूछ सकता है कि एक कोकून में कितने मीटर रेशम प्राप्त होता है, तो 1000 से 1200 मीटर. फिर ये पूछ सकता है एक कोकून को पूरा रेशम बनने में कितना समय लगता है, तो 3 दिन लगता है. तो इतने क्वेश्चन आपके तैयार हुए. चलिए फिर देख लेते हैं. तो
द सब्सटेंस लार्क किससे प्राप्त होता है? ए सब्सटेंस सीक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंसेक्ट. तो ये जो ट्राइक्लेडिया लाइका, जिसे लाइसिफर लाइका बोलते हैं, उससे प्राप्त होता है रेजिन सब्सटेंस. इससे चूड़ियां बनाई जाती थी लाक के साथ. अभी जो कॉपियां विश्वविद्यालय या इंटर कॉलेज की कॉपियां जब सील होती हैं बोर्ड की, तो उस पर हरदम लाक की ही सील लगाई जाती है. बॉडी इंसेक्ट कालरा इंसेक्ट. और ये किस पे पाया? कुसुम, बबूल और बार, पलास आदि पौधों में पाया जाता है. यहाँ मैच लिस्ट दिया हुआ है. मैच लिस्ट में तो आप सब जानते हैं, सिल्क से सिल्क प्राप्त होती है, लाख से लाख प्राप्त होती है, एंट से फॉर्मिक एसिड और बिस्टल बीटल से कैंथ्रीडीन प्राप्त होती है. टर्माइटस डाइजेस्ट सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ ट्राइकोनिम्फा. इट टर्माइटस द सेल्यूलोज डाइजेस्ट द हेल्प ऑफ ट्राइकोनिम्फा. ट्राइकोनिम्फा इज द फ्लैजलेट प्रोटोजोअन दैट लिव इन द एयरगट. सिम्बियोसिस दिस इंसेक्ट म्यूचुअली बेनिफिशियल द ऑब्लिगेटरी फॉर द बोथ पार्टनर. ट्रिप्सिन इज द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज डाइजेस्ट प्रोटीन एंड द ट्राइकोसिस्ट इज द ऑर्गन्स द ऑफेंस एंड डिफेंस पैरामीशियम. चलिए नेक्स्ट देते हैं. नोबेल प्राइज फॉर डिस्फेरिंग द लैंग्वेज ऑफ बी वॉज अवॉर्डेड बाय. देखिए जो वैगल डांस था हनीबी का, हनीबी का वैगल डांस क्या होता, वो ये बताता है कि किस दिशा में शहद है. तो इसको जो खोजा था, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, केवी फ्रिश ने खोजा था. इनको हमें भी केवी फ्रिश में कंफ्यूज था, चूंकि मुझे जो याद था कार्ल रुआन फिश याद था. तो ये यहाँ थोड़ा सा मैं भूला, फिर उसको मैंने देखा कि केवी कार्ल वॉन फिश तो कहीं नहीं बन रहा, तो कैसे कार्ल वॉन, तब पूरा मिलाया. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि साठ में देते थे, पता लगा उसका पूरा नाम याद है, या साठ में आपको याद है तो उसका पूरा नाम पूछ दें तो दिक्कत होता है. तो कार्ल वॉन फिश ने दिया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था. ये क्या करते हैं, भोजन की दिशा बताते हैं. तो जो मधुमक्खियां गोल गोल घूमती हैं, जिसे वैगल डांस के नाम से जानते हैं. तो वैगल डांस के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है. तो आज के लिए इतना ही. हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा. इसी के साथ शुभरात्रि, नमस्कार दोस्तों. ये वीडियो आपको अर्ली मॉर्निंग हम अपलोड करेंगे. इसी के साथ.